सरकार आज आदिवासी सरकार कहने में तो आते हैं, लेकिन आदिवासी हित में एक भी नीतिगत फैसला नहीं लेने के कारण हम आज ये धरना में बैठे हुए हैं। पुतला धरना जब लोगों ने किया वहाँ के विधायक विकास मुंडा का और कालीचरण मुंडा का, इतने बड़ा बेवनेस फैल रहा है, काउंसिलिंग करना चाहिए वहाँ पर, राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए, मुख्यमंत्री को करना चाहिए, विकास मुंडा को करना चाहिए, कालीचरण मुंडा को करना चाहिए, चुपचाप है। टमाड़ का देवरी मंदिर का उदाहरण ले लीजिए, या फिर आप कांके मालश्री का सरना स्थल का मामला ले लीजिए, या फिर आप एयरपोर्ट का जो स्टेट हैंगर है वहाँ का सरना स्थल का मामला ले लीजिए, जत्रा स्थल का मामला ले लीजिए, कई ऐसे मामले हैं जिस पर अब भूमाफियाओं की या फिर आरएसएस और बीजेपी वालों की नजर गड़ी हुई है और उसे अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। हेमंत सरकार इस मामले को लेकर के नियम कानून लागू करना तो दूर, इसमें चिंतन बैठक भी नहीं किया उन्होंने, न किसी बात को चर्चा ही हुई। सिविल कोर्ट में आपका मुंसिफ कोर्ट के आड़ पे आदिवासियों का हजारों एकड़ जमीन को है गैर आदिवासियों के बीच में हस्तांतरण होते आया है। 11 सितंबर को पूरे झारखंड के आदिवासी अगुआ है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और एक विशाल पैमाने पर कल हम लोग समाज के द्वारा निर्णय लेंगे कि आगे उस देवड़ी मंदिर को हम लोगों को कैसे बचाना है और अपने ग्राम सभा के अधीन कैसे करना है। सरकार इस FIR को वापस ले सकती है और वहाँ जो भी जिला प्रशासन है, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो SDO हो, CO हो, सबको अविलंब बर्खास्त किया जाए। झारखंड की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में उभरी भारत आदिवासी पार्टी लगातार पूरे झारखंड का भ्रमण कर रही है, हर जिले का भ्रमण कर रही है और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी कर रही है। लगातार इनकी जो टीम है जमीन लूट पर बातचीत करती है। जब सामाजिक संगठन में थी ये टीम तब भी जमीन लूट पर आवाज़ उठाती थी, पार्टी में जाने के बाद भी लगातार आवाज़ उठा रही है और फिलहाल अभी इस वक्त राजधानी रांची के बापू वाटिका में एक दिवसीय धरना भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से किया गया है और आज भी मुद्दा है आदिवासियों की जमीन लूट के खिलाफ और आदिवासियों के संवैधानिक जो अधिकार है उसे लेकर। फिलहाल पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, बातचीत करेंगे उनके साथ कि लगातार जमीन लूट पर जो कार्रवाई हो रहा है उस पर पार्टी अब तक क्या कर पाई है और क्या आगे कर पाएगी। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाही मुंडा जी से बातचीत करते हैं। दादा जोहार। जोहार की भाई। लगातार जमीन लूट पर तो बातचीत हो रही है दादा, आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं, कोई विशेष रणनीति? देखिए, हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में आज आदिवासियों की जमीन लूट एवं उनके संवैधानिक अधिकार, धर्म, संस्कृति, सभी अधिकारों को लेकर के हम लोगों ने आज राजभवन के समक्ष धरना दिया है। देखिए, मेरा जो मेमोरेंडम है, पहला मेमोरेंडम हमारा है देवड़ी मंदिर को लेकर के, उसके बाद पेशा कानून का है, उसके बाद ग्राम सभा की शक्तियाँ का है, ऐसे बहुत 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, 23 वर्ष हो गए लेकिन कभी भी हेमंत सरकार इस मामले को लेकर के नियम कानून लागू करना तो दूर, इसमें चिंतन बैठक भी नहीं किया उन्होंने, न किसी बात को चर्चा ही हुई। तो कहने का मतलब है हमारा आदिवासी समाज ही सिर्फ वोटर बन के रहेगा, क्या राजनीति नहीं करेगा? हम चाहते हैं राजनीति करने का मतलब समस्या का समाधान, इसलिए हम लोगों ने अभी बापू वाटिका में हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, जमीन लूट को लेकर के, संवैधानिक अधिकार को लेकर के, और खासकर आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं जो देवड़ी मंदिर में कांड हो रहा है उसमें जो देवड़ी दीरी कहा जाता है तो खुटकटी जमीन कैसे ट्रांसफर हुआ, और बड़ी बात है कि आप ट्रस्ट बना करके वहाँ पर गैर आदिवासियों को कैसे रखे, तो ये सभी मसले को लेकर के हम लोगों ने आज धरना पर बैठा है और मांग करना चाहते हैं देवड़ी मंदिर के प्रकरण में जो क्रांतिकारी लोग थे जो जेल गए उसको बिना शर्त रिहा किया जाए, अन्यथा आने वाला समय में जन आंदोलन तेज करेंगे। क्योंकि देखिए, पुतला धरना जब लोगों ने किया वहाँ के विधायक विकास मुंडा का और कालीचरण मुंडा का, इतने बड़ा बेवनेस फैल रहा है, काउंसिलिंग करना चाहिए वहाँ पर, राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए, मुख्यमंत्री को करना चाहिए, विकास मुंडा को करना चाहिए, कालीचरण मुंडा को करना चाहिए, चुपचाप है। आखिर क्या आदिवासी आपको वोट नहीं दिया है? आदिवासी को आप क्या समझते हैं? मतलब आप वोट पोलराइजेशन करना चाहते हैं, लड़ा झगड़ा हो? इस सभी मसले को लेकर के कल भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल
जो है दिवड़ी में बैठक हो रहा है, वहां पर जाएगी और बैठक करके एक निर्णायक के तौर पर इसको राज्य नहीं राष्ट्रीय लेवल का जो है इस आंदोलन को तेज करेंगे। और जहां जहां मेरे आदिवासी धर्म संस्कृति को छीना जा रहा है, चाहे पारसनाथ पहाड़ हो, चाहे हमारा दिवड़ी मंदिर हो, चाहे हमारा पहाड़ी पूजा हो, जहाँ हो देख रहे हैं कि इसको इसको जो है बचाने का हम लोग काम करेंगे। और सरकार से मांग करना चाहते हैं, बार बार हम लोग धर्म कोड मांगते हैं, देते नहीं हो। और हमने बार बार कहा कि आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड बनाइए, क्योंकि हमारा धर्म संस्कृति का संरक्षण हो, लेकिन आपने नहीं बनाता है। ये सभी मुद्दे को लेकर के सरकार के खिलाफ आज यहाँ धरना पर बैठे हैं और आने वाला समय में देखिएगा राज्यव्यापी आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। बिल्कुल, बाप पार्टी लगातार इस पर काम कर रही है। फिलहाल जमशेदपुर से चलकर कृष्णा हांसदा जी आए हैं, बातचीत करते हैं। दादा, जैसे कि अभी प्रेम साहिदा ने कहा, देवड़ी मंदिर का इतना बड़ा मामला उभर कर सामने आया है, जमीन लूट के साथ साथ भगवान की भी लूट की जा रही है, क्या कहेंगे? एक तरह विधायक का जो बयान आया है और दो दिन से जो तमाड़ के लोग हैं लगातार मुख्यमंत्री के पास आ रहे हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही है, मिल नहीं रहे, क्या लग रहा है? कोई साथ नहीं दे रहा है, समाज कब तक खड़ा रहेगा तमाड़ वासियों के साथ? देखिए, सबसे पहले तो जोहार। आज जो देवड़ी मंदिर या देवड़ी धेरी प्रकरण का जो हालत है और यहाँ जो विकास सिंह मुंडा का जो बयान आ रहे हैं, इससे यह प्रतीक होता है कि विकास सिंह मुंडा या तमाड़ के जनप्रतिनिधि नहीं है, वो भाजपा के प्रवक्ता है। भाजपा के प्रवक्ता है, कानून और संविधान और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ये ताक में रहकर का जो बात कह रहे हैं, ये एक कानून के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है और आदिवासियों के साथ अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इन दोनों का आज पुतला दहन किए और हम लोग पूरे झारखंड में आदिवासियों को बताएंगे कि किस तरह ये तमाड़ के विधायक और खूंटी के संसद ने आदिवासी विरोधी में काम किए। और उसके साथ साथ सरकार आज आदिवासी सरकार कहने में तो आते हैं, लेकिन आदिवासी हित में एक भी नीतिगत फैसला नहीं लेने के कारण हम आज ये धरना में बैठे हुए हैं। तो जैसे पैसा का रूल्स लागू करना था, नहीं लागू किया। वन संरक्षण अधिनियम रद्द करना था, नहीं किया। लैंड बैंक को रद्द करना था, नहीं किया। आदिवासियों का जमीन लूटी हुई है, उसको वापस करने का था, वो भी नहीं किया। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जो झारखंड में यहाँ अवैध तरीके से सादा पट्टा में आदिवासियों का जमीन को लूटे जा रहे हैं और लूट के आदिवासियों को विस्थापित कर रहा है। इसलिए हम लोग काफी नाराज है और हम लोग आक्रोशित है। चलिए, फिलहाल हमारे साथ दादा हैं, बाप पार्टी के, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, लगातार जमीन लूट को लेकर बाप पार्टी आवाज उठाते रही है, लेकिन जमीन लूट के साथ साथ जब धार्मिक स्थलों की लूट हो रही है, तब बाप पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी अभी हाल के दिनों में बना है और इसका जो विस्तारीकरण आदिवासी मुद्दों पर पूरे देश में हो रहा है और वही विस्तारीकरण के तहत जो है भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में भी स्थापित हुआ है, उसका हम लोग यहाँ अगुवाई कर रहे हैं। और जो है अब अगर हम देखते हैं तो प्राचीन काल से ही आदिवासियों का नाना प्रकार का शोषण आक्रमणकारियों के माध्यम से होते रहा है। और आप जो है जमीन की जो बात कर रहे हैं, तो अभी तो सादा पट्टा में वर्तमान समय में लूट दिख रहा है कि इससे पहले भी आपका जमीन वापसी का जो धारा 71 है सेंटी एक्ट के तहत, उसका 71B में भी आपका कंपनसेशन का प्रोविजन करके भी आदिवासियों की जमीन को लूटी गई है। उससे पहले भी सिविल कोर्ट में आपका म्युनिसिप कोर्ट के आड़ पे आदिवासियों का हजारों एकड़ जमीन को है गैर आदिवासियों के बीच में हस्तांतरण होते आया है। और ये जगह क्या है कि आदिवासी समाज जो है शिक्षा और कानून का शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ समाज है और ये जगह जब जमीन के विवाद को लेकर के आप कोर्ट कचहरी में जाइएगा तो वहाँ आप पाइएगा कि वहाँ जो वकील मुंशी बैठे हुए हैं वो गैर आदिवासी बैठे हुए हैं और कानून के आड़ पे जो है आदिवासियों का जमीन को लूटने में वो भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और जो है आपका ये पांचवी अनुसूची क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर आबादी की दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन जो है बाहरी और आक्रमणकारी के जो पुत्र हैं उनके माध्यम से आदिवासियों का जमीन को लूटने का काम जो है विभिन्न चरणों में आज भी जारी है। और रही बात
धार्मिक अतिक्रमण का, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी हिंदुओं का जो भी शक्तिपीठ है, जहां बलि प्रथा है, वो सारा पूजा स्थल जो है वो आदिवासियों का रहा है। और अभी वर्तमान समय में जो आप जो है देवड़ी मंदिर की भी जो बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में देवड़ी दीरी है। और इस विषय में हम लोगों ने लगभग 5-7 साल पहले उस क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया था, और वहाँ जो है सातों दिन पहान द्वारा ही वहाँ पूजा की जाती थी। और उसमें जो है, चूंकि पूजा स्थल है, उसमें जाति विशेष को भी पूजा करने की बात नहीं है, सभी लोग जिसको लाभ होगा मंदिर में आएंगे। लेकिन जब हिंदू समाज के लोग ज्यादा मात्रा में जो है मंदिर में आने लगे, तो ब्राह्मण लोगों का उस पर बुरा नजर पड़े, और उसको हथियाने के लिए वो नाना प्रकार का षड्यंत्र करते रहे। और हाल के दिनों में जो है देवड़ी मंदिर के नाम से जो ट्रस्ट बनना अच्छी बात है, कानूनन दृष्टिकोण से उसको संचालन करने की बात है, लेकिन ट्रस्ट में आदिवासी को तो रखा नहीं गया है। और वहाँ जो है गैर आदिवासी जो है, जब आदिवासी मंदिर है तो ट्रस्ट के लिए तो आदिवासी ही प्रतिनिधि की जरूरत है, आदिवासी पुजारी की जरूरत है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि देवड़ी मंदिर का जो पुराना जो स्वरूप है, पुराना जो व्यवस्था है, उसका पुनः कायम किया जाए, और पंडा पंडितों को जो है मंदिर से बाहर किया जाए, और जो ट्रस्ट बनाया गया है उस ट्रस्ट में जो है सदस्य के तौर पे आदिवासियों को ही रखा जाए, और उसमें पूजा करने के लिए सभी समुदाय के लोगों का स्वागत है। लेकिन कोई अगर इसका अतिक्रमण करेगा तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पे महिला प्रदेश अध्यक्ष कुंद्रा सिंह मुंडा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष कुंद्रा सिंह मुंडा जी है, बातचीत करते हैं। मैडम, लगातार जमीन लूट पर आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब धार्मिक जमीनों की भी लूट हो रही है, उस पर पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या कर रही है पार्टी? देखिए, ये सही बात है कि अब हमारी जो रहती जमीन के साथ साथ अब हमारी व्यवस्था की जमीनों को तो लूटा ही जा रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं जहाँ पर हमारी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे आप तमाड़ का देवरी मंदिर का उदाहरण ले लीजिए, या फिर आप कांके मालसरिंग का सरना स्थल का मामला ले लीजिए, या फिर आप एयरपोर्ट का जो स्टेट हैंगर है वहाँ का सरना स्थल का मामला ले लीजिए, जतरा स्थल का मामला ले लीजिए, कई ऐसे है जिस पर अब भू माफियाओं की या फिर आरएसएस और बीजेपी वालों की नजर गड़ी हुई है और उसे अतिक्रमण करना चाह रहे हैं। रही बात देवड़ी मंदिर की, तो मैं कहना चाहूंगी कि देवड़ी मंदिर शुरू से ही वो एक मड़ई के रूप में रहा है, इसे हम सरना स्थल भी नहीं कहेंगे, ये गांव का ग्राम सभा का ये मड़ई स्थल है, और उस मड़ई स्थल में शुरू से ही हमारे पहान पुजार पूजा करते आ रहे हैं, और उसको ग्राम सभा के द्वारा ही संचालित किया जाता रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अभी वहाँ पर जैसे सब लोगों को पूजा करने की छूट दे देंगे, तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो आरएसएस और बीजेपी वालों का गढ़ हो गया है। लोग जो हमारे मूलवासी भी हैं, वो भी नहीं समझना चाह रहे हैं कि वो जमीन आदिवासियों की है, वो धार्मिक स्थल आदिवासियों की है, उसे आदिवासी परंपरा के तहत ही चलने दिया जाए, लेकिन उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो बिल्कुल हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने भी वहाँ पर जितने भी दुकानें हैं वो आदिवासियों का रोजगार है, उस रोजगार को खत्म ना किया जाए, अन्यथा आदिवासी समाज चुप नहीं रहेगी। और कल जो है 11 सितंबर को पूरे झारखंड के आदिवासी अगुआ है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और एक विशाल पैमाने पर कल हम लोग समाज के द्वारा निर्णय लेंगे कि आगे उस देवड़ी मंदिर को हम लोगों को कैसे बचाना है और अपने ग्राम सभा के अधीन कैसे करना है। प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, ट्रस्ट बना है, और ट्रस्ट का जो फंड आया है चंपई सोरेन जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसमें दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार, वर्तमान सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है इस ट्रस्ट के मामले में, लेकिन अभी फिलहाल चुप है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ट्रस्ट बनना ही नहीं चाहिए था, और अगर ट्रस्ट बना भी है तो ग्राम सभा के माध्यम से बनना चाहिए था, गांव के लोगों का वहाँ हस्तक्षेप होना चाहिए, और जो ट्रस्ट बना है उसकी अध्यक्ष जो है
वो ग्राम प्रधान को होना चाहिए था और ग्राम प्रधान के द्वारा वो संचालित होना चाहिए था, मगर वहाँ पर जिला प्रशासन उसको अपने अंडर में कर ली है। आपके वहाँ के विधायक जो हैं विकास सिंह मुंडा वो वहाँ के ट्रस्टी बन गए हैं, आपके जो हमारे जो सांसद हैं खूंटी लोकसभा के वो ट्रस्टी बने हुए हैं, जिला प्रशासन के लोग ट्रस्टी बने हुए हैं, आरएसएस के लोग ट्रस्टी बने हुए हैं। तो इसका जो साफ मतलब ये हुआ कि आप उसको हड़पना चाह रहे हैं और सुंदरीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया का फंड लेकर आप हमारे आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित करना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनके मंसूबों को समझ गए हैं और उनके मंसूबों को हम लोग कभी सक्सेस नहीं होने देंगे, उसको हम लोग फेल करके रहेंगे। और वो मंदिर वो देवी स्थल आदिवासियों का है और रहेगा। चलिए हमारे साथ प्रभादी है, प्रभादी रजरप्पा की है। प्रभादी कहते थे कि रजरप्पा भी कभी आदिवासियों का हुआ करता था, वो भी अतिक्रमण हो गया, सही बात है क्या? सबसे पहले सभी का जोहार। यह बात तो सही है कि पहले से सुना करता था कि आदिवासियों का था, लेकिन इसको अभी ट्रस्ट में लिया जा रहा था, लेकिन उसको करने लिए नहीं किया है। और वहाँ यह भी है कि हमारे यहाँ जितने भी ग्रामीणों को सबसे पहले इसका ग्राम सभा से पारित होकर के देने के बाद था, जो ग्रामीणों को पहले मिलना चाहिए, जिस जहाँ पर का वहाँ क्षेत्र पड़ता है, कोई भी जगह अगर वैसा होता है तो वहीं का रोजगार मिलना चाहिए, यह प्रावधान होती है, क्योंकि गाइडलाइन में भी यही लिखा गया है। क्या कहिएगा प्रभादी, आदिवासी लूट को, जमीन लूट को लेकर बाप पार्टी तो बिल्कुल प्रखर रही है, हर मुद्दे पर प्रखर रही है। अब जब धार्मिक स्थल लूटे जा रहे आदिवासियों की, तब पार्टी का क्या स्टैंड है? कैसी इन स्थलों की सुरक्षा कर पाएगा पार्टी? पार्टी से यही सुरक्षित मिलती है हम लोगों को, क्या कि धार्मिक स्थल क्या, यहाँ तो देख रहे हैं कि पूजा पाठ जगह हो गया, नदी नाला हम लोग का डांडी होता था, जितना भी तरह का है अपना सार्वजनिक जगह हो गया, अखड़ा मसना हरगड़ी इस सब को भी बहुत जगह जमीन का दखल बहुत दिक्कत से कर रहा है, बेचने खाचने काम कर रहा है दलाल, जिसे बहुत दिक्कत, इसका रोकने काम जरूर होना चाहिए। यह तब रुकेगा, सबसे भी जागेगा, क्योंकि यही बाप पार्टी में हम लोग देखेंगे, हम लोग को सहयोग साथ देने की बात करने वाले सरकार देखने को मिला, क्या कि सांसद होकर के बात रखते हैं, यहाँ इतना मंत्री विधायक सांसद सभी बने, लेकिन कोई जल जंगल और आदिवासी का हित का बात नहीं रखते हैं, जो कि यहाँ देखिए दौड़ी मंदिर में इतना बड़ा दिक्कत हो गया है, उसको भी बात नहीं कर रहे, बल्कि उसको दोहाना परेशान और अत्याचार करके उसको दबाव दे रहा है, उसको जेल के अंदर रख रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका समाधान की बात रखना चाहिए कि जो सही था, जो सरना स्थल है, जो आदिवासी का था, उस जगह पर रहना चाहिए, क्योंकि जो सही है, लेकिन इसको ना करके दिक्कत कर रहा है। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोग अपने जागने काम करेंगे और बचाने काम करके सरकार को वापस जितना भी जगह हुआ है, इस तरह से कई जिलों में कई जगह मंदिर जगह में या पूजा स्थान या जो भी जमीन जगह लूटने काम किया गया है, सभी को वापस देना होगा और ये मिलने चाहिए हक अधिकार, तभी हम लोग का मांगे पूरी होगी, जितना मांग कर रहे हैं सब मिलनी चाहिए, यही कहना चाहूंगी हम लोग, क्योंकि ऐसा कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, अब होने नहीं देंगे, और नहीं तो अपने हाथ में डंडा उठाएंगे पहले के जैसे, और उसी को वहीं पर देना पड़ेगा, बांध के रखेंगे जैसे भी करके, चाहे साड़ी से बांध के रखेंगे, चाहे कैसे बांध के रखेंगे, और गाँव में जब तक फैसला नहीं होगा उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं। चलिए फिलहाल महिला टीम बहुत मजबूती से अपनी बातों को रखती है, दीदी से बात करते हैं। दीदी क्या कहिएगा, जिस तरीके से देवड़ी का मामला आ रहा है, पहाड़ी मंदिर का मामला है, रजरप्पा का मामला है, पारसनाथ पहाड़ का मामला है, लगातार आदिवासियों की जो धार्मिक स्थल है लूटी जा रही है, बाप पार्टी कितनी प्रखरता से इन सब स्थलों को बचाने की कोशिश करेगा? सबसे पहले आपके चैनल को आपको जोहार। देखिए जहाँ जहाँ आदिवासी के मंदिर या जहाँ पूजा स्थल है, वहाँ भाजपा का आदमी वहाँ ऐसा ऐसा मैंने सेट करते हैं ताकि हम वो पूजा पाठ करके, और हमारे भी आदिवासी भाई बहन भी बहुत को ऐसे मिले जुले हुए हैं जो कि उनका सपोर्ट में करते हैं, बिना सपोर्ट का कोई भी वो उसको ले नहीं पाता है। तो हम मेरा यह कहना है कि हमारे आदिवासी भाई बहन अभी भी जाग जाइए, जहाँ भी हमारा सरना स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसको हम लोग बचाने के लिए अब हम भारत आदिवासी पार्टी, हम लोग जिस तरह हम लोग आदिवासी जन परिषद में काम किए थे, उसी तरह अब जल जगन जमीन के लिए भी, और हमारे भारत आदिवासी पार्टी भी इसको हम लोग बचाने के लिए काम करेंगे। तो कल आप लोग देवड़ी आ रहे हैं दीदी? हाँ जरूर आ रहे हैं। क्या कहिएगा, पूरा मामला जो आप देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि जो वहाँ सरना स्थल में है, सब कोई बोल रहे हैं कि वो पहले से सरना स्थल है, तो सरना स्थल है देवड़ी दीदी का नाम, तो वो देवड़ी दीदी के नाम से वहाँ पर आदिवासी लोग पहले पूजा करते थे, हमारे जितने भी पूर्वज लोग वहाँ पर पूजा करते हैं,
धीरे 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 इन लोग आए, उन लोग जो पंडित लोग जो उन लोग घुसने का प्रयास, इन लोग घुसते घुसते भी उन लोग ट्रस्ट बना लिए। तो ये चीज को नहीं होना चाहिए। और हमारे आदिवासी लोग, आदिवासी भाई लोग जो भी है उसमें उसमें डट के खड़ा होके उसको हटाने, जो ट्रस्ट बना है उसको उन लोग को हटा के आदिवासी जो वहाँ के लोग है, ग्रामवासी लोग, उन लोग के नाम से वो ट्रस्ट बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल कुंद्रा सिंह मुंडा से रहेगा। दीदी, गिरफ्तारी हुई है दो लोगों की, क्या कहेंगे? 20 लोगों पर और हुआ है अज्ञात, 100 लोगों पर हुआ है, कैसे सारे लोगों को बचाएंगे आप लोग? या फिर जेल भरा जाएगा या फिर पूरी तरीके से मंदिर लुटाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो कहेंगे अगर जेएमएम अगर कहती है कि हम आदिवासियों की हितैषी हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस एफआईआर को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इस एफआईआर को वापस ले सकती है। और वहाँ जो भी जिला प्रशासन है, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो एसडीओ हो, सीओ हो, सबको अविलंब बरखास्त किया जाए। और वहाँ पर खासगी किस बात की? प्रशासन कह रही है हम अपना काम कर रहे हैं, शांति बहाल कर रहे हैं। शांति बहाल करना था तो आप 107 लगाते ना, 144 लगाते, आप एफआईआर क्यों किए? कौन सा आपका धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा और सरकारी काम में बाधा पड़ा कि आप एफआईआर दर्ज किए और आप तुरंत उसको अरेस्ट भी कर लिए? आज जाके देखिए ये एसटीएससी थाना में कितना वहां पर केस पेंडिंग है, कितना वहां पर केस पेंडिंग है, आज तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है वहां पर? जांच के नाम पर वहां सालों बीत जाता है और बाद में केस को, फाइल को बंद कर दिया जाता है। और यहां दो दिन हुआ आदिवासियों पर केस होता है तो तुरंत वहां पर गिरफ्तारी हो जाती है। तो हम लोग यही मांग करेंगे कि अविलंब केस को आप निरस्त कीजिए और जितने लोग भी अंदर गए हैं उसको वापस, उसको जेल से बाहर कीजिए। और वहां पर शांति बहाल करना है तो फिर आपको आदिवासियों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और अगर शांति बहाल नहीं कर सकते हैं तो आदिवासियों का दंश झेलने के लिए भी, आदिवासियों का विरोध झेलने के लिए भी आपको तैयार खड़ा रहना पड़ेगा। एक बात बताइए दीदी कि ग्राम सभा चल रही थी, प्रशासन का कहना है कि मंदिर में ताला लगा दिया गया था, शायद इस बाबत भी केस हुआ है। देखिए, मंदिर में ताला लगा दिया गया तो ग्राम सभा का वो क्षेत्र पड़ता है, ग्राम सभा चाहेगी तो मंदिर क्या आपके थाना में भी ताला लगा सकती है। इतना पावर है ग्राम सभा को? पावर है ग्राम सभा को, पूरा पावर है। ये पांचवी अनुसूची का क्षेत्र है और पांचवी अनुसूची में ग्राम सभा सबसे सर्वोपरि होता है, वहाँ शासन और प्रशासन बाद में आते हैं। तो वहाँ ग्राम सभा का निर्णय हुआ ताला बंद करने का, तो ग्राम सभा ने ताला बंद किया है और उसको, उनको शांति बहाल करना था तो विकास सिंह मुंडा आते वहाँ पर, कालीचरण मुंडा जी आते वहाँ पर, शांति बहाल करते, दोनों पक्ष से बात करते, समझाते। क्यों नहीं समझता लोग, लेकिन आप उकसा रहे हैं कि लड़ो लड़ो लड़ो, अपना आवाज उठाओ। और यही उकसाने के कारण आज वहाँ तालाबंदी का काम किया गया। आप आदिवासियों के खिलाफ काम कीजिएगा तो आदिवासी आक्रोशित होंगे ही, और आक्रोश में उन्होंने ताला बंद किया और ग्राम सभा का निर्णय था, इसे हम कभी गलत नहीं मानेंगे। बात बताइए, जिस तरीके से पूरन चंद मुंडा को और राधा कृष्ण मुंडा की गिरफ्तारी हुई है, बीच रास्ते से गाड़ी रोक कर चेकिंग के नाम पर उनको गिरफ्तार किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि गिरफ्तारी में इससे पहले वारंट निकलता है, एफआईआर बताया जाता है, गलती बताया जाता है, इनको कुछ पता ही नहीं है और अभी फिलहाल तो वो होटवार जेल में है। बिल्कुल, या एक तरफ प्रशासन कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बिना सूचना दिए आप उसको अंदर नहीं कर सकते हैं। और अगर हम लोग सही मायने में, अगर जो गिरफ्तार हुए उसके लिए अगर कोर्ट में लड़े अपने कानून, संवैधानिक कानून के तहत, तो थाना प्रभारी और जिला प्रशासन दोनों जेल के अंदर होंगे, क्योंकि बिना सूचना दिए, बिना जांच किए आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और भी आधे रास्ते से आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ये कानून बोलता है। और आप इस पर गलत किए हैं और आपको सजा भुगतना पड़ेगा। कल बड़ा महाजुटान है आदिवासियों का इस मुद्दे पर, क्या रणनीति समझ में आ रही है, क्या करेंगे आप लोग आगे? देखिए, महाजुटान है और जितने भी झारखंड के सामाजिक संगठन है, सामाजिक अगुवा है, कल वहां जा रहे हैं और सभी निर्णय लेंगे, मिलकर निर्णय लेंगे, क्योंकि हम लोग सामूहिकता पर चलते हैं, सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ा तो पूरा झारखंड बंद करने का भी काम किया जाएगा। और देवरी दिड़ी जो है हमारा, देवरी दिड़ी वो क्या है, उसके
उसका नाम से ही पता चलता है। अगर आप मुंडा क्षेत्र में रहते हैं तो मुंडाओं की भाषा, संस्कृति और परंपरा को समझना होगा। देवरी मतलब होता है पुजारी और दिरी मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर की पूजा करने वाले वहाँ जो महान है उनको वहाँ उनके नाम से वो देवरी दिरी का स्थान वहाँ पर रखा गया। बोल चाल में रखते 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 आज वो देवरी दिरी हो गया, तो उसको आज देवड़ी मंदिर बना दिया गया, तो नाम को भी परिवर्तित कर दिया गया है। इस पर भी हम लोग कल संज्ञान लेंगे और फिर से वहाँ पर पत्थलगड़ी करके बोर्ड लगा करके, बोर्ड लगा था वो पेंट पोचौड़ा हो गया, हम लोग फिर से उसको लगाएंगे और उसके पुराने स्वरूप को हम लोग वापस करेंगे। चलिए, तो फिलहाल ये पूरी टीम है भारत आदिवासी पार्टी की, आज यहाँ पे एक दिवसीय धरना पर है और कल जो तमाड़ में एक दिवसीय महाजुटान का आयोजन किया गया है, दूर दराज से लोग, जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं कल वहाँ पहुँच रहे। बड़ी रणनीति बनेगी कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लड़ा जाएगा। फिलहाल तीसरे विकल्प के रूप में भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में देखा जा रहा है। जमीन लूट पर बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बात को रखता है और इस बार बात रख रहे हैं धार्मिक स्थलों की लूट पर। फिलहाल अब ये देखने वाली बात है कि कल क्या होगा, लेकिन रणनीति आज से ही बननी शुरू हो गई है राजधानी रांची से। अब देखना ये होगा कि कल क्या होगा, लेकिन इस देवड़ी मंदिर वाले मामले में कल भारत आदिवासी पार्टी तमाड़ कुछ कर रही है, देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल हम है यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।